नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, पूरी सीरीज में एनसीईआरटी ज्योग्राफी देख रहे हैं। ठीक है, क्लास 12 का ये 7th चैप्टर है। ठीक है, क्लास 12 के इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं। ये वो वाली बुक है जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली, पहले हम लोग ये वाली बुक करेंगे, फिर इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली करेंगे। तो क्लास 12 इसमें फिनिश हो जाएगा। 6 से लेकर 10 तक ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ आपके यूट्यूब में अपने। देखिए ये है प्लेलिस्ट, आप इसको, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी रिवीजन आप यूट्यूब में सर्च करेंगे और उसमें प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा, तो ये पूरी हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। ठीक है, पूरे इसमें वीडियो पड़े हुए हैं 6 से लेकर 10 तक, आप उसको देख लीजिएगा। एक चीज और, यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप इसको तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहे आपको। और ये है हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com। काफी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं जीएसजी के जनरल नॉलेज की, और काफी सारी समरी पड़ी हुई है यहाँ पे, और भी काफी सारी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, प्लस लेटेस्ट पोस्ट में देख सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए जो आपको, अगर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला जो चैप्टर है, ये है आपका चैप्टर नंबर 7। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी ही मेन है, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन उसी के अंडर में आता है। फिर आपका देखिए प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, इसमें क्या है कि आप नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, कुछ ना कुछ आप नेचर से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचर को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ये सभी जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। पूरा एक बार समरी बता दे रहा हूँ। फिर सेकेंडरी वाला क्या है कि इससे जो रॉ मटेरियल मिला आप उसको प्रोसेस करते हो, उसमें वैल्यू एडिशन करते हो, गेहूं मिला उसको बिस्कुट बना देते हो, यहाँ से ओर मिली उससे नए नए मशीनरी के प्रोडक्ट बना देते हो। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब एक्टिविटी कहाँ पे आ गई, सेकेंडरी एक्टिविटी में, यानी कि द्वितीय क्रियाएं में। अब इसके बाद टर्शरी एक्टिविटी वो सभी होती हैं जो इन दोनों को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, टर्शरी में भी प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन उसमें सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज भी होता है। एक्सचेंज का मतलब हो गया कम्युनिकेशन होता है आपका, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जैसे रोड, रेल और ये सब वाली जो एक्टिविटीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो ये सब आती है टर्शरी एक्टिविटी में। और ज्यादातर जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जैसे टीचर हो गए आपके, डॉक्टर हो गए, हाई क्लास प्रोफेशनल्स हो गए, तो ये सब है। अब इसी में आगे इसको सब डिवीजन कर दिया गया है, क्वाटरनरी एक्टिविटी में और एक क्वीनरी एक्टिविटी में। क्वाटरनरी में क्या है कि आपके जो R&D वाले प्रोफेशनल्स हैं वो सभी आ जाएंगे क्वाटरनरी में, और क्वीनरी में बहुत ही ज्यादा हाई क्लास लेवल पे अगर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आ जाएगी आपकी क्वीनरी एक्टिविटी में। एक बार पूरा इसमें समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी हिंदी PDF भी है यहाँ पे, पहले आप पूरा यहाँ पे समझ लीजिए और यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यही है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ये फोटो बनी हुई है, पहले इसको देखिए, क्योंकि चारों एक्टिविटी हैं क्या ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब जैसे टर्शरी में कौन कौन सी एक्टिविटी है ये इसमें बताया गया है। टर्शरी में क्या है, एक है इंडिविजुअल टर्शरी सर्विसेज। ठीक है, ये कौन सी है, इसमें बहुत ही कम मतलब लिटरेसी होती है, अवेयरनेस कम होती है। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं मेट्रो सिटी में रहते हो, आपने कुछ होममेड लगाई हुई है, घर साफ करने के लिए कुछ लगाया हुआ, तो वो सब भी सर्विस एक्टिविटी है, वो सब भी टर्शरी एक्टिविटी है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ये आपकी टर्शरी सर्विसेज। ठीक है, फिर एक दूसरी कौन सी होती है, वो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड का मतलब है कि जैसे आपके स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो ये सभी भी तो टर्शरी एक्टिविटी में आ जाएंगी। हॉस्पिटल है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये सभी आ जाएंगी किसमें, ये इंस्टीट्यूशन है, वहां पे इंस्टीट्यूशन है। और क्वाटरनरी क्या में, क्वाटरनरी में क्या है कि बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेशनल जो होते हैं क्वालिफिकेशंस, और वो R&D जो करते रहते हैं, ठीक है, रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सभी यहाँ पे क्वाटरनरी में ये रिक्वायर्ड होता है। और सबसे लास्ट में है क्वीनरी, इनको बोलते हैं आपके ये जो बहुत ही ज्यादा सीनियर लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स और ये कंसल्टेंट होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग वाला जो काम है हो रहा है सबसे हाई लेवल पे वो कर रहे हैं क्वीनरी एक्टिविटी में। अब ये तो देखिए टर्शरी का क्लासिफिकेशन हो गया, एक बार पूरा क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। मैंने ये पूरा कलेक्ट किया है मटेरियल यहाँ से, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, जैसे एक होते हैं रेड कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, गोल्ड कॉलर वर्कर, बहुत सारे वर्कर हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है कि आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो किससे, एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो जो भी अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज कर रहे हो।
जैसे लैंड, वाटर, वेजिटेशन, ये सबको। और इसमें क्या क्या आता है, हंटिंग, गैदरिंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सब आ सकता है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सब। पेस्टोरल एक्टिविटी जो मैंने बताई थी आपको, नोमैडिक हर्डिंग करते हैं वो सब, फिशिंग वाली हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, माइनिंग और क्वेरिंग। अब देखिए, जो प्राइमरी एक्टिविटी में वर्कर इन्वॉल्व हो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे रेड कॉलर वर्कर, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है सेकेंडरी, वो वही मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जो यहाँ से रॉ मटेरियल मिला उसको आपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। गेहूं मिला आपने, उसका बिस्कुट बना दिया, रोटी बना दी, और बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए। यहाँ से ऊपर से टमाटर मिला आपने, उसको सॉस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर और बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और या फिर इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी होती है, इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं। तो पहले प्राइमरी वालों को रेड कॉलर, इसमें ब्लू कॉलर, और जो टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं। और इसमें क्या है, टर्शरी में इन्वॉल्व है प्रोडक्शन और एक्सचेंज, दोनों इन्वॉल्व है। प्रोडक्शन किस चीज का है, जो आप सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जिसको कंज्यूम करता है। आपने पढ़ाया, कोई पढ़ा, ठीक है, आपने अपनी लॉयर वाली सर्विसेज दी और वो किसी के काम आ गई, किसी का केस आपने लड़ लिया, तो वो सब। एक्सचेंज का मतलब है कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, कि मतलब आपको कहीं जाना है, एक जगह से कुछ पार्सल भेजना है, कुछ मेल भेजनी है, कुछ मैसेज भेजना है, तो ये सब आ गई। अब जो टर्शरी एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। फिर आपकी नेक्स्ट है क्वार्टरनरी एक्टिविटी, ठीक है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, ये सब डिवीजन ही है एक तरह से, आप समझ सकते हैं टर्शरी का। तो मेन जो है वो तीन ही एक्टिविटी है। तो ये क्वार्टरनरी में क्या है, आपका रिसर्च डेवलपमेंट वाली चीजें हो गई, ठीक है, और काफी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है आजकल। जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जितनी भी जो विकसित देश है, वहां पे वो लोग पहले प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी से, फिर टर्शरी से, अब क्वार्टरनरी और क्वार्टरनरी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा, जैसे मतलब वहां पे टर्शरी और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे जो नॉलेज सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, जिनका एक सेपरेट क्लासिफिकेशन है, और इसमें जैसे टैक्स कंसल्टेंट आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड मैनेजर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाएंगे, प्लस जो भी लोग हैं आपके एलिमेंट्री स्कूल और ये सब में, जहां जहां भी रिसर्च वाला काम हो रहा है, तो ये सब आपके है क्वार्टरनरी एक्टिविटी में। इसमें कोई रिसोर्सेज से बाउंड नहीं है ये। और फिर लास्ट में क्वीनरी, मतलब हाईली एकदम टॉप पे जो लोग बैठे होते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, कि जो जैसे जो पुराने आइडिया हैं उनको आपने री इंटरप्रिटेशन कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला काम कर दिया, ये सब आती हैं क्वीनरी एक्टिविटी में। इन यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है। और इसमें बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, और फाइनेंशियल और लीगल ऐसे जो कंसल्टेंट हो गए, तो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सभी होते हैं इन्वॉल्व क्वीनरी एक्टिविटी में। अब ये लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी था, और टर्शरी वाले में भी क्या क्या है वो सब भी बता दिया। तो टर्शरी क्या है, सर्विस बेस्ड है, और इसमें क्वार्टनरी और जो क्वीनरी वाला है ये सब इसी के पार्ट है, एक तरह से सब पार्ट समझ सकते हैं। तो ये सब चीजें बता दी गई। अब देखिए इनिशियल स्टेजेस में क्या था, कि ज्यादातर जो जनसंख्या है वो प्राइमरी एक्टिविटी में थी, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। और डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या है, आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, सर्विस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। टर्शरी में प्रोडक्शन एक्सचेंज दोनों होता है, बताया मैंने। प्रोडक्शन क्या है, सर्विसेज का जो कंज्यूम की जाती है, और आपका जो आउटपुट मेजर किया जाता है वो सैलरी और ये जो वेजेस मिलती है आउटपुट। फिर ये है आपका, जैसे जो टर्शरी एक्टिविटी है वो क्या है, कॉमर्शियल आउटपुट है वो सर्विसेज का, लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि टेंजिबल, मतलब दिख रहा है वहां पे वो वाला जो गुड्स है उसका आपको आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टर्शरी एक्टिविटी है ये इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं किसी रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग से, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, टेक्नीशियन हो गए, लॉन्ड्रर हो गया, बार्बर, शॉपकीपर, ये सभी की सभी टर्शरी में आएंगे। अभी मैंने बताया था इंडिविजुअल जो सर्विस सेक्टर वाला, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशनल सर्विस सेक्टर, तो ये सब अभी आपको बता दिया था। तो ये सब चीजें हैं इसमें। और अगर आप टाइप देखेंगे इसमें, तो देखिए ये एक पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है काफी शानदार तरीके से, और इसको आप देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा पूरा। सर्विस सेक्टर में देखिए, सर्विस सेक्टर में है ये पूरा सब, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में ही है टर्सरी वाली एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, और आपकी क्वीनरी एक्टिविटी। तो जो बेसिक बहुत बड़ा टर्म है वो सर्विस सेक्टर है, सॉरी टर्सरी वाला नहीं है, वो सर्विस सेक्टर टर्म है, ठीक है। तो प्राइमरी वाला आपका हो गया सेक्टर एक, एग्रीकल्चर ज्यादातर है वो। फिर आपका सेकेंडरी वाले में क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका, कंस्ट्रक्शन, और ये टर्सरी ये वाला जो टर्म है, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी, ये सब आ गए एक तरह से सर्विस सेक्टर में। तो मतलब वही टर्सरी में ही इन्वॉल्व है ये सब, ठीक है। ये आप देख लीजिए टर्सरी में क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट
ट्रेड और कॉमर्स वाली हो गई। ट्रेड भी बहुत तरीके से होलसेल ट्रेड करते हैं, ठीक है, होलसेल मतलब बहुत सारा एक साथ खरीद लेते हैं, वो अर्बन सप्लाई के लिए जरूरी होता है, वहाँ बहुत सारे मॉल है ये सब चीजें। और अगर आपको रूरल एरिया में देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मंडी लगती है, वीक में एक बार, मंथ में एक बार, ऐसे करके। रिटेल ट्रेड मतलब आप डेली जो बेचते हैं उसके लिए भी, अर्बन में अगर आप देखें तो अर्बन में डेली के लिए आपके पास चेन स्टोर होते हैं, मॉल है, मेल ऑर्डर है, उसमें टेलीफोन और इंटरनेट है। इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली ये टर्सरी एक्टिविटी को एक्सपेंड करने में। फिर आपके और भी शॉपिंग सेंटर हैं, ठीक है, रूरल में आपके पीरियोडिकल मार्केट होते हैं, तो यहाँ पे आपको डेली की जरूरत की सामान मिल जाएगा। फिर ये ट्रांसपोर्ट में क्या है, रेल नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, वाटर नेटवर्क है, वाटर में भी इनलैंड है और आउटलैंड है, ओशनिक है, एयर में आपका हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन में फिर मीन्स ऑफ जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है ये वाले भी आएंगे, और प्लस टेली कम्युनिकेशन के, उसमें टेलीफोन हो गया, लैंडलाइन, मोबाइल, पहले मेल यूज करते थे वो सब, फिर मास मीडिया वाले जितने भी, रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया। देखिए मास मीडिया का मतलब ये है कि अगर आप एक ही जगह से बहुत जगह बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सको तो वो मास मीडिया है। जैसे यूट्यूब भी एक तरह से मास मीडिया बनता जा रहा है, क्योंकि अब जैसे हम लोगों ने कोई वीडियो दिया बहुत सारे लोग देख लेते हो, या फिर कोई और किसी कोई है जो कोई म्यूजिक का चैनल है उसने कुछ म्यूजिक दिया बहुत सारे लोग देख लेते हैं, तो इसी उसको बोलते हैं मास मीडिया। सर्विसेज में कौन कौन सी आ गई आपकी, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल और पर्सनल, इसमें भी प्राइवेट, गवर्नमेंट और एनजीओ हो गई। फिर क्वाटर्नरी में क्या बताया था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, R&D यहाँ पे होती है। और क्विनरी में क्या है, स्पेशलिस्ट है, डिसीजन मेकर है, कंसल्टेंट है, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स है, ये सब आ गई आपकी किसमें, क्विनरी में। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा सा याद रखिए। बाकी इस चैप्टर में इतना ज्यादा कुछ है नहीं खास, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब आपको जरूर याद रखने चाहिए। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये सर्विसेज हैं जो कि आपकी टर्शरी एक्टिविटी में आती हैं। अब देखिए ट्रेड और कॉमर्स के लिए बारे में बताया गया है, ट्रेड क्या होता है, बाइंग सेलिंग होता है, उसके लिए कुछ ट्रेडिंग सेंटर होते हैं। पहले बार्टर होता था कि मतलब आपके पास कुछ है और वो दूसरे से एक्सचेंज कर लो, फिर मनी सिस्टम आ गया, तो वो सब चीजें बताई गई। रूरल एरिया में होता है, अर्बन एरिया में होता है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में होता है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, इसमें कई सारी मंडी उंडी लगा देते हैं ये अगर देखें आप तो। फिर उसके बाद कई सारे और भी चीजें बताई गई बेसिक बेसिक सी। पीरियोडिक मतलब पीरियोडिकल मार्केट आपने देखा होगा गांव में, एक हफ्ते हफ्ता में मार्केट लगती है या फिर महीने में कोई मार्केट लगती है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर हैं जो वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, और वहां पे जो आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड हैं वो स्पेशली एकदम मार्केट क्रिएट की जाती है। तो ये सब चीजें से आप ये देख रहे हैं मॉल ऑल। उसके अलावा और भी जो है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रोफेशनल हो गए, टीचर, लॉयर, ये सभी भी इसी में आते हैं। फिर रिटेल ट्रेडिंग सेंटर का क्या मतलब है कि ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो आपका जो गुड्स है कुछ साबुन तेल और ये सब डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रही है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जगह फिक्स एस्टेब्लिशमेंट भी है। और फिर उसके बाद एक और तरीके का है कि जैसे आप जो सड़कों पे देखते हैं डोर टू डोर डिलीवरी होती है, मेल ऑर्डर होता है, ये टेलीफोन, ये सब किस में आ गया, नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग में हो गया, ठीक है। फिर उसी में और चीजें बताई गई कि सबसे पहले थे कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिए गए कि डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट कर दिया गया, चेन स्टोर बना दिए गए, उसमें ये जो चेन स्टोर होते हैं ये इनके पास काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, काफी कैपिटल होता है, और ये एक स्टोर में एक्सपेरिमेंट करके और कई सारी जगह कर सकते हैं ये अप्लाई वही सब चीजें। तो डायरेक्टली जो ये है ये क्या करते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर जो भी होते हैं उनसे कुछ खरीदते हैं बहुत बड़े लेवल पे, और फिर उसको इसीलिए जो यहाँ पे कई बार जो है रेट कम होते हैं, तो ये सब चीजें हैं। फिर होलसेल ट्रेडिंग में भी आपको बल्क बिजनेस जहां पे होगा वहां पे सब होलसेल ट्रेडिंग हो रही होगी, उसको या तो इंटरमीडिएट होंगे कुछ और या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कुछ लार्ज स्टोर जैसे चेन स्टोर होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीद लेते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो इंटरमीडिएट से खरीदते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि आपको पर्सन को, कुछ गुड को, कुछ प्रॉपर्टी को फिजिकली कैरी करना है एक जगह से दूसरी जगह, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है ये कुल मिला के। बेसिक बात ये है कि यहाँ पे स्पीड मैटर करती है और स्पीड ही की वजह से धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, एयर जो है वो सब चीजें। और फिर ये ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को किलोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर होगा उस हिसाब से होगा, टाइम डिस्टेंस से भी होगा कि, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें, आप एक बार पढ़िएगा और समझ में आएगी काफी सारी चीजें। जो इम्पोर्टेंट वाली बात है क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट वाला वो मैंने शुरू में ही कवर कर दिया था, ठीक है। और फिर कॉस्ट डिस्टेंस होती है, आइसोक्रोन लाइन होती है, मैप में ये वो वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती है जहां पे टाइम जो है वो सेम लगता है पहुंचने में,
ठीक है, फिर ये कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट और सर्विस को, डिमांड है सबसे पहला, फिर रूट है किस लोकेशन से जा रही है, किस पैटर्न पे जा रही है, फिर कम्युनिकेशन सर्विस में हो गया आपके, कम्युनिकेशन वर्ड्स का भी होता है, मैसेज का भी होता है, फैक्ट और आइडियाज का भी होता है। शुरू में कैसे होता था, कबूतर चिट्ठी ले जाता था एक जगह से दूसरी जगह हैंड के थ्रू देते थे, तो ये सब चीजें फिर धीरे धीरे और फॉर्म आते गए और इंटरनेट और ये सब चीजें आ गई, मोबाइल आ गई, टेलीफोन आ गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, तो बहुत सारे जो है सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हो गए। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रिकल जो टेक्नोलॉजी, उससे आपको कम्युनिकेट करने लगे और जो स्पीड है वो एक्चुअली घट गई, बहुत जल्दी जल्दी मैसेज भेजने लगे, टाइम आपका घट गया, लेकिन अभी भी कई सारी जगह पे मतलब ये सॉरी जो टेलीग्राफ है, मोर्स कोड है, ये जो टेलेक्स है, ये सब पास्ट की बातें हो गई, हिस्ट्री की। मास मीडिया मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी जगह से आप अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज पहुंचा सकते हो या फिर अपनी बात रख सकते हो, तो वो सब मास मीडिया, रेडियो टेलीविजन हो गया, यूट्यूब भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी, इंडिविजुअल कस्टमर की भी होगी आपकी, और जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था लो ऑर्डर सर्विसेज होंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद आजकल जैसे बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, हाईवे को मेंटेन रखना है, फायर फाइटिंग वाले डिपार्टमेंट है, ये सब बहुत सारी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखी है। ठीक है, तो ये सब है प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं कई सारी, प्राइमरी हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब। ठीक है, फिर है इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल सेक्टर में, आपको इनफॉर्मल में वही है कि डेली के लिए कुछ होममेड चाहिए, कुक चाहिए, गार्डनर चाहिए, कुछ घर की रखवाली के लिए चाहिए, तो ये सब अनऑर्गेनाइज है। मुंबई डब्बा वाला एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे जो कस्टमर हैं उस करीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को। फिर ये बताया गया है कि आजकल डेवलप्ड इकोनॉमी में जो लोग हैं ज्यादातर वो टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, सर्विस सेक्टर में मतलब इन्वॉल्व है ज्यादातर। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का आधे से ज्यादा जो हिस्सा आता है सर्विस सेक्टर से ही आता है। ठीक है, और फिर यूएस में बता रहे हैं कि 75% ज्यादा लोग सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं। सर्विस सेक्टर ऐसा है जहां पे जो पॉपुलेशन जो मतलब एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में नहीं बढ़ रहा है ऐसा। कुछ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, टूरिज्म तो बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है ये, और कितनी सारी मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, इतना जीडीपी में हिस्सा होता है, और लगातार देखिए टूरिज्म इस तब बढ़ता है जब बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा और ये सब चीजें बढ़ेंगी, तो कई जगह टूरिज्म सीजनल भी होता है, टूरिज्म की वजह से भी जॉब मिलती है, टूरिज्म की वजह से भी ग्रोथ होता है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। टूरिस्ट रीजन है देखिए, जो सीधी सी बात है, अगर कोई बहुत ठंडी जगह पर रहता होगा तो समर वेकेशन में ऐसी जगह पे आना चाहेगा जहाँ थोड़ी गर्मी हो, जो बहुत गर्म जगह पे रहता होगा वो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ थोड़ी ठंडी हो, वही सब चीजें हैं। मेडिटेरियन में बहुत ज्यादा होता है टूरिज्म, क्योंकि ऊपर वाले जो लोग हैं काफी ज्यादा वहां पे ठंडक में रहते हैं, तो वो आते हैं वहां पे बीच बीच में अपने आप को सेकने, तो ये विंटर स्पोर्ट हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, डिमांड करेगा ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि अगर लोगों का ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनके पास पैसे आएंगे, वो जाएंगे घूमने ज्यादा, और फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो अगर मान लीजिए बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, कार से भी जा सकते हो आप, एयर से भी जा सकते हो, तो इससे भी जा सकते हो। अट्रैक्शन क्या क्या होता है, जहां पे अच्छा क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट में वही है कि आप जिस जगह से उबे होगे उसके दूसरी जगह जाओगे, ठंडक में रहते होगे तो थोड़ा गर्मी में जाओगे, गर्मी में रहते होगे तो थोड़ा ठंडक में जाओगे, मेडिटेरियन में इसीलिए काफी ज्यादा होता है, ऊपर ठंडक वाले प्लेस में रहते हैं लोग और इसीलिए आते हैं अपने आप को सेकने। फिर लैंडस्केप का क्या मतलब है कि अगर बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट है, कुछ लेक है, माउंटेन है, ये सब देखने जाते हैं लोग। हिस्ट्री और आर्ट मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आप पुरानी चीजों को देखने जाते हो। कल्चर और इकोनॉमी की किसी जगह पे काफी ज्यादा कुछ लोकल क्विजिन काफी फेमस है, कुछ वहाँ पे कस्टम है उनको देखने जाते हो, ये सब है। फिर इम्पावर्ड वर्कर का मतलब है कि इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, क्वाटर्नरी सेक्टर में है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, जो कोइनरी सेक्टर उसमें भी है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऐसा इकोनॉमी एक्टिविटी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें पूरा एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट हुआ है कि वो ज्यादा फोकस करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में और क्रिएटिविटी में, तो मतलब यही बात है कि जो ऊपर वाली एक्टिविटी हो गई क्वार्टनरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्लस क्वीनरी में, तो वो उसमें बस यही सब है कि ज्यादातर इनोवेशन और इन सब चीजों की बातें होती हैं। अब देखिए ये एक पूरा मैप बना हुआ है यहाँ पे, ऑर्डर बना हुआ है, ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी और क्वीनरी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि
कि सबसे पहले जो आपकी बैकवर्ड कंट्री होती है वो प्राइमरी होती है, फिर धीरे धीरे वो मूव करती है सेकेंडरी की तरफ, फिर टर्शरी की तरफ, आजकल जितनी डेवलप्ड है वो इधर की तरफ आ गई, और प्लस इधर और प्लस इधर। इंडिया में जो हुआ है प्राइमरी से डायरेक्ट हुआ है ट्रांजेक्शन, टर्शरी में सेकेंडरी में ज्यादा मूव नहीं कर पाया। जनरली यही होता है कि एक एक करके स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, अब ये सब पूरा क्लास को क्या बोल देते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। और एक्चुअली बहुत ये वेग तरीके से डिफाइंड है, मैंने देखा इधर उधर हर जगह से, तो इसलिए आप भी इसको ऐसे ही याद रखिए। क्वाटनरी का क्या मतलब है कि सीओयू वाले जो लोग हैं, सॉरी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले लोग हैं, और वो सब चीजें हैं, ठीक है। क्वाटनरी में क्या है कि आपका कलेक्शन है, प्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन है, ये सब चीजें, रिसर्च डेवलपमेंट, और ये बहुत ही जो एडवांस सर्विसेज होती हैं वो सभी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें जो है क्वार्टनरी जो सेक्टर है आपका, प्लस उसमें टर्शरी मिला दो, तो ये जो आजकल की जो प्राइमरी वाली और सेकेंडरी वाली जॉब को रिप्लेस करते जा रहे हैं, नॉलेज सेक्टर बोला जाता है इनको, और पर्सनल वर्किंग भी है इसमें, और काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। क्वार्टनरी जो एक्टिविटी है इनको आउटसोर्स भी किया जा सकता है, और ये कोई रिसोर्सेज से बंधी नहीं हुई है, ठीक है। और इनको आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपको कुछ काम करवाना है अपना, कुछ वेबसाइट बनवानी है, कुछ आपको डेटा इनपुट करवाना है, डेटा एंट्री करवाना है, कुछ कॉल अटेंड करवानी है, तो आपने आपके जैसे यूएस में क्या हुआ, यूएस में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, ठीक है। आप किसी से बोलोगे कि यार मेरी कंपनी में लग जाओ और ये डेली तुम 50 कॉल अटेंड करो, हम तुमको देंगे $2, तो कोई नहीं मानेगा वहां पे, ठीक है। वहां पे सबके रेट बहुत ज्यादा हाई हैं, गवर्नमेंट अलग से वहां पे कुछ ना कुछ उंगली करती रहती है कि नहीं नहीं मिनिमम $200 दो, $300 दो। तो आउटसोर्सिंग का मतलब है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ऐसा है कि चाइना और इंडिया में बहुत लोग हैं, अफ्रीका में बहुत लोग गरीब हैं, यहाँ अच्छे खासे इंग्लिश एजुकेटेड क्लास लोग वाले लोग हैं, आप इनको $2-3 दे के, या फिर मतलब जो भी बहुत कम पैसे में चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है वो सब काम करा सकते हो। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग का मतलब। अब उसमें फिर एक बीपीओ इंडस्ट्री है, एक केपीओ इंडस्ट्री है। केपीओ का मतलब है नॉलेज प्रोसेस होता है उसमें, बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस एक याद रखिए कि होता क्या है। क्विनरी में क्या है, आपका हाइएस्ट जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में जो लोग बैठे हैं वो सब क्विनरी एक्टिविटी में है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन बोलते हैं, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसमें आपका जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, हाईली पेड यहाँ पे स्किल्स की जरूरत होती है। आउटसोर्सिंग का मैंने आपको बता दिया, आउटसोर्सिंग आजकल काफी ज्यादा खुल रहा है, ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे आपके चीप लेबर होंगे, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग में अगर जो दूसरी जगह में लोग जॉब देंगे, तो जो इनकी होम कंट्री होगी वहां पे तो मतलब जो जॉब है वो तो कम होती जाएंगी ना। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें देखिए नए ट्रेंड आ रहे हैं क्वार्टनरी सर्विसेज में, और ये है केपीओ। और केपीओ थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में थोड़ा और ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, और इसमें और काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हैं। और केपीओ में आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, एक्टिविटी ई लर्निंग हो गई, बिजनेस रिसर्च हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च हो गए, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर, ये सब चीजें। आउटसोर्सिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट देना आपको जहां पे पैसे कम में काम हो सके और इफिशियंसी बढ़ सके। आईटी इंडस्ट्री और ये सब में जो है इसी से रिलेटेड है, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीकन कंट्री में, यहाँ पे काफी चीप लेबर मिल जाते हैं, तो ये सब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर अब देखिए इसमें रेड कॉलर का क्या है, रेड कॉलर में प्राइमरी था, गोल्ड में अभी हमने देखा क्वीनरी, व्हाइट कॉलर में टर्शरी, ठीक है, और ब्लू कॉलर आपका हो गया सेकेंडरी, और ये जो ग्रे और पिंक कॉलर है। देखिए ग्रे कॉलर का क्या मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कि कहीं क्लासिफाई नहीं हो पाए व्हाइट और ब्लू में, जो कि मतलब जैसे इल्डरली जो थोड़े से सीनियर सिटीजन टाइप के हैं, वो अगर कुछ काम कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, तो वो सब आएंगे ग्रे कॉलर में, ठीक है। अब देखिए पिंक कॉलर का क्या मतलब है कि ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली जो वुमेन वर्क होते हैं एक्चुअली, वो सब पिंक कॉलर में कंसिडर किए जाते हैं। तो इनको जो फीमेल ओरिएंटेड जॉब है उनको ब्लू कॉलर से अलग करने के लिए ये वाला टर्म आया था। तो ये सभी हो गए, पूरे कॉलर हो गए आपके। ये वाला वेबसाइट है हमारी, जरूर देख लीजिएगा, इसमें काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इसमें फिर मेडिकल टूरिज्म बढ़ता जा रहा है आजकल, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप कहीं जाओ और प्लस वहां पे थोड़ा टूरिज्म भी कर लो, तो वो हो गया मेडिकल टूरिज्म। इंडिया में भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा फैसिलिटी होंगी, और जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान टाइप के कंट्री हो गए, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, ऑब्वियस सी बात है यूएस से इंडिया में कम ही लोग आएंगे, लेकिन फिर भी 55,000 के लोग आए थे 2005 में, अब तो और ज्यादा काफी बढ़ गए होंगे। तो
तो काफी सारी चीजें इंडिया में, एक्चुअली ये भी है ना कि काफी चीप सर्विसेज मिल जाती हैं, इसीलिए है ये डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि जो अमीर है वो और उसको पूरा डिजिटल सुविधाओं का लाभ लेता जा रहा है, जो गरीब है उसके पास नहीं आ रही है। सिंपल बात यही है बस। अनइवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो डिफरेंस है, कार्ल मार्क्स ने जो बोला था वही वाली बात है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे हैं डेवलप्ड कंट्री उनके पास सब कुछ है, वो और ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं और जो डेवलपिंग है वो पीछे ही रह गई है। बस यही, खत्म हो गया इसी के साथ। ठीक है, चैप्टर पढ़ लेना एक बार, सब समझ में आ जाएगा। चलो इसके आंसर कर लेते हैं। बताओ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी इसमें से टर्शियरी एक्टिविटी है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी होगी? ट्रेडिंग होगी। अब इतना भी ना समझ पाओ तो फिर बेकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, कौन सी नहीं है? कैचिंग फिश होगी? नहीं। ठीक है, अब बाकी आप लोग दे देना आंसर, कौन से जो सेक्टर है ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में किस सेक्टर में मिल रहा है? बताइए थर्ड वाले का आंसर। फिर फोर्थ वाले का है कि जो जॉब्स ऐसी हैं हाई डिग्री और लेवल ऑफ इनोवेशन है, उसमें कौन, वो कौन सी कही जाएंगी? ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कही जाएंगी, जल्दी से बताइए। क्वार्टनरी से रिलेटेड कौन सी नहीं है इसमें से, सॉरी रिलेटेड है इसमें से, चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट वाला में से कौन सा नॉट ट्रू है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। टेलीग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता नहीं है। पूरा 12th वाला हो जाएगा, फिर पूरी एनसीईआरटी कर लेंगे, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस एसएससी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।